हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर का फर्स्ट कंपलसरी पेपर भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं उसकी चुनौतियों के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा इसमें इसमें बौद्ध युग में शिक्षा के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा इसकी पहली क्लास में आपने बौद्ध युग की परिभाषा, बौद्ध युग की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसके विषय में अध्ययन किया। आज मैं आपको बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य और बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप के विषय में अध्ययन कराऊंगी। बेटा पांचवी ईसा के पूर्व पांचवी शताब्दी तक भारतीय जनजीवन में परिवर्तन होने लगे थे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। उस समय ब्राह्मणी शिक्षा, प्राचीन काली शिक्षा चल रही थी, जिसके कारण कई ऐसी समस्याएं खड़ी हुई जिसमें बौद्ध शिक्षा का जन्म हुआ। बौद्ध शिक्षा में सूत्रों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। बौद्ध शिक्षा को नवजीवन महात्मा बुद्ध जी के प्रयासों से प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस शिक्षा का प्रचार और प्रसार विदेशों तक हुआ, मतलब इसकी ख्याति विदेशों तक प्राप्त हुई। जावा, कोरिया, चीन इत्यादि से लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए, उसके बारे में समझा और जाना। इसके साथ साथ संघ मित्रा जी ने श्रीलंका में इसके प्रचार और प्रसार के लिए गई थी। बौद्ध शिक्षा का अर्थ होता है दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है तो उसका उपाय है, उपाय ढूंढने का प्रयास अर्थात निर्वाण की प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का अर्थ है। निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है? निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति शिक्षा से ही संभव हो सकती है। अब बेटा अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके एम्स का निर्धारण कर लेते हैं, अर्थात बिना उद्देश्य निरुद्देश्य वो जो शिक्षा होती है वो सही दिशा पर नहीं जाती है। हमें अगर कहीं जाना होता है तो हमारा उद्देश्य तय होता है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं। ऐसे नहीं कि बैग उठाया और चल दिए, ऐसा तो नहीं। मुझे पता होता है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो इस उद्देश्य से जा रही हूँ। अगर उद्देश्य निश्चित नहीं होता है तो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसी तरह से बेटा बौद्धिक शिक्षा के भी कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर में है धार्मिक शिक्षा का विकास। बेटा बौद्धिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक शिक्षा वैदिक काल की तरह ही आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा का बोलबाला था। उसमें नैतिकता के विकास के लिए सोचा जा रहा था और इसके साथ साथ शिक्षा संघ और मठों में विहारों में दी जाती थी, और जिसमें सत्य, नैतिकता, अध्यात्म, सदाचार, सत्य बोलना, मिथ्या बात को नहीं करना इत्यादि के बारे में बताया जाता था। अगले नंबर में आता है चरित्र का निर्माण करना। इसके साथ ही साथ जैसा कि वैदिक काल में बेटा जो उच्च चरित्र वाला होता था उसे सम्मान दिया जाता था, उसी तरह बौद्ध काल में भी चरित्र के निर्माण के लिए नई उन्हें कथाओं और कहानी के माध्यम से उन्हें इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना अपने छात्रों को कि वह उन उदाहरणों से मोटिवेट हो, मतलब प्रेरित हो, जिसके परिणाम स्वरूप वो भी अपने गुरु या उस महापुरुष के समान अपने को ढालने का प्रयास कर सके। बेटा अगले नंबर में आता है व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास, बेटा व्यक्तित्व का विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी पर्स टांग लिया, अच्छी गाड़ी में चल दिए तो मेरे व्यक्तित्व का विकास हो गया। बाहरी आवरण से नहीं, व्यक्तित्व के विकास का तात्पर्य होता है हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारा चारित्रिक विकास, मतलब और हमारा सामाजिक विकास। हम जब अपना चहुमुखी विकास करते हैं तभी हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। हम कैसे भी वस्त्रों का धारण कर रहे हैं, अगर हमारे हमारे बोलने का ढंग अच्छा है और हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो सामने वाले पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अगले नंबर में आता है सांस्कृतिक विकास करना। इसके साथ साथ बौद्ध काल, जिस तरह वैदिक काल में वेद और शिक्षा के बारे में, वेद के, वेदांग के बारे में इत्यादि के बारे में ज्ञान कराया जाता था, लेकिन बौद्ध काल में उस तरह से पूर्णतया अभ्यास नहीं कराया जाता था। वहाँ पर नैतिकता के विषय में इत्यादि, वहाँ की जो प्राकृतिक वो जो भाषा थी, पाली भाषा थी,
उसके विषय में ज्ञान कराया जाता था, उसी से संबंधित लोग कार्य करते थे। अगले नंबर में आता है सामाजिक विकास करना। इसके साथ साथ बेटा, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रहकर क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है, वह समाज में रहता है और सामाजिक प्राणी है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे समाज के नियम सिद्धांत कानून इत्यादि को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसे समाज में समाज के सदस्यों के साथ ही अपने जीवन को व्यापन करना है। तो बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता, सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि के बारे में बताया जाता था, ताकि व्यक्ति सुयोग्य नागरिक बन सके। अगले नंबर में आता है जीवन के लिए तैयार करना। इसके साथ साथ व्यक्तित्व को जीवन के लिए तैयार करना, तैयार करने के लिए हमें सत्य बोलना, हमें अपने चरित्र की रक्षा करना, हमें किसी से झूठ ना बोलना, हमें सदाचारी का जीवन व्यतीत करना, और जो भिक्षु हमें उपदेश दे रहा है उसको अपने जीवन में धारण करना, जिससे हम अपने जीवन का विकास सही ढंग से कर सके। अगले नंबर में आता है नैतिक आचरणों का विकास करना। नैतिक आचरण मतलब नैतिकता, मॉरलिटी मतलब किसी के दुख में दुखी होना और किसी के सुख में सुखी होना, इस तरह की भावना से ओतप्रोत होना कि हमें नैतिकता के लिए ये सारी चीजों को करना आवश्यक है। अगले नंबर में आता है संबोध का विकास करना, मतलब कि हमें अपने अंतर मन की आवाज सुनकर, हमें अपने अंतर मन के बारे में जानना, जगत के विषय में जानना, और जगत के विषय में जानकर हमें उस हिसाब से अपने को ढालने का प्रयत्न करना। अगले नंबर में आता है निर्वाण की प्राप्ति करना, अर्थात हमें मुक्ति की ओर जाना। हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? हमें मुक्ति शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। बेटा, बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश यही है कि हमें निर्वाण की ओर जाना है, हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि दुख है। दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तो दुख का उपाय भी है। उपाय ढूंढने का प्रयत्न करना ही हमें शिक्षा की ओर ले जाता है। बेटा, अब हम उद्देश्यों के बाद हम बात करते हैं बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप, मतलब कि स्ट्रक्चर। बौद्धिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? बेटा, बौद्धिक शिक्षा में कई संस्कारों के साथ आगे बढ़ाया जाता था। इसके साथ साथ वैदिक काल की तरह बौद्धिक शिक्षा में भी आध्यात्मिकता का विकास था, और यज्ञ और अनुष्ठान तो इस तरह से नहीं होते थे, लेकिन फिर भी बालकों को, भिक्षुओं को धर्म के बारे में, धर्म की रक्षा के बारे में, धर्म की शिक्षा के बारे में, इसके साथ साथ अपनी संस्कृति को किस तरह से हमें सुरक्षित रखना है, उन सभी के बारे में ज्ञान कराया जाता था। तो बेटा, इसके लिए इसकी जो शुरुआत होती थी, तो सबसे पहले जब बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत होती तो सबसे पहले होता था पवज्जा संस्कार। कौन सा संस्कार बेटा? पवज्जा। पवज्जा संस्कार होता था बेटा। पवज्जा जब संस्कार होता था, जब बालक जो भिक्षु होता था, जब 8 वर्ष का होता था, तो पवज्जा संस्कार, पवज्जा मतलब होता है बाहर जाना, मतलब कि घर के बाहर जाना। घर के बाहर क्यों जाना? हमें अध्ययन अध्यापन के लिए, जिस तरह वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, उपनयन का तात्पर्य होता है गुरु के समीप जाना, अर्थात पास जाना, उसी तरह बौद्ध काल में होता था पवज्जा संस्कार। 8 वर्ष की आयु में जो भिक्षु होता था अपने माता पिता या अभिभावक को छोड़कर अपने गुरु के समीप जाता था, और जब वे गुरु के पास संघ, भाई जैसे वहां पर आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, तो बौद्ध कालीन केंद्र थे संघ, विहार, मठ इत्यादि। जब ये मठ में प्रवेश करता था तो आयु होती थी 8 वर्ष। तो बेटा, जो बालक होता था वो सिर को मुड़वाकर, पीले वस्त्रों को धारण करके, पलथी मारकर आसन में बैठकर अपने गुरु से कहता था बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में मैं जाता हूँ और धर्म की शरण में मैं जाता हूँ और संघ की शरण में मैं जाता हूँ। मतलब वो जो तीन वचन कहता था उसी के बाद उसको प्रवेश मिलता था। इसके साथ साथ बेटा इसमें 10 सील सिद्धांत होते थे, अर्थात बच्चों से जैसे एक बात कही जाए कि 10 वचन लिया जाता था कि इन वचनों का जब तुम पालन करोगे बेटा तभी हम आपको संघ या मठ में प्रवेश देंगे। तो बेटा ये कौन कौन से वचन हैं? तो इसमें से पहला वचन होता था चोरी मत करना। मतलब चोरी मत करना सबसे प्रमुख बात, जो मेरा है सिर्फ मेरा है। मतलब हमें किसी की चीज को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, जो प्रभु ने आपको दिया है सिर्फ वो आपका है, इसलिए किसी की चीज की चोरी नहीं करना। अगला था जीव हत्या मत करो। मतलब चाहे वो छोटा सा मच्छर या चींटी हो, हमें जीव हत्या नहीं करनी, इसकी भी शपथ दिलाई जाती थी। अगले नंबर में आता था अशुद्ध उच्चारण मत करना। इसके साथ साथ हमें जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें अशुद्ध उच्चारण, हमें शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध श्लोकों को पढ़ना, सही ढंग से हमें ज्ञान को अर्जित करते हुए और उसको सही ढंग से बोलना। अगले नंबर में आता है झूठ मत बोलो। बेटा कितना भी हो सके हमें झूठ नहीं बोलना, ये भी बौद्ध धर्म में 10 सिद्धांतों में बताया जाता था। अगले नंबर में आता था मादक पदार्थों का सेवन मत करो। मादक अर्थात नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए कहा गया। हमें ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करना है, हमें भोग और विलासिता से दूर रहना है, अर्थात हमें तामसी भोजन नहीं करना है और हमें सादा जीवन उच्च विचार की तरह ही जीवन व्यतीत करना है। अगले नंबर में आता था अनुचित समय पर भोजन मत करना। बेटा बौद्ध काल में 3 समय पर भोजन किया जाता था, सुबह दोपहर और शाम, इसके अलावा रात, इसके अलावा अनुचित समय में भोजन नहीं करना, इसके बारे में भी बताया गया था। अगले नंबर में आता है सौंदर्य साधनों का उपयोग मत करना। मतलब कि इत्र हो गया या खुशबू वाली कोई चीज हो गई या खुशबू वाला तेल हो गया, इस तरह की चीजों का और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार की तरह ही हमें जीवन व्यतीत करने के लिए, हमें ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के लिए मठ में आदेश दिए गए थे। अगले नंबर में आता है बहुमूल्य वस्तुओं को स्वीकार मत करना। इसके साथ साथ बेटा अगर कोई आपसे प्रसन्न होता है और आपको बहुमूल्य वस्तु भेंट करता है तो उसको कदापि स्वीकार नहीं करना, ऐसा बौद्ध धर्म में 10 सिक्का पदानी के उपलक्ष्य में बताया गया था। बेटा इसको 10 सिक्का पदानी भी कहते हैं। अगले नंबर में आता है बिना प्रदान किए कोई वस्तु ग्रहण मत करना। मतलब इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि हमें किसी भी लोभ माया में नहीं पड़ना। जब तक कोई चीज हमें कोई उठा कर नहीं देता है, हमें किसी वस्तु का लोभ नहीं करना, उसको धारण नहीं करना। अगले नंबर में आता है नृत्य संगीत का निषेध करो। इसके साथ साथ बेटा मनोरंजन के जो भी साधन है, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इत्यादि का निषेध करना। वह अगर ऐसी कोई जगह है तो वहां पर जाना नहीं, और कोई अगर बुलावा दे रहा है तो वहां जाने से मना करना। तो बेटा जब हम बौद्ध धर्म में पवज्जा संस्कार होता था तो बेटा उसमें 3 चीजें बोली जाती थी, जो भिक्षु होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसके साथ साथ 10 सील सिद्धांतों के विषय में भी बताया जाता था। जब बालक इनका अनुकरण कर लेते थे तो उन्हें मठों में प्रवेश की आज्ञा दी जाती थी। तो ये थे कुछ मुख्य बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य और स्वरूप। अगली क्लास नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू।